नंबर एक प्रैक्टिस, रोज आपको एक पेपर करना है, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं करना। पर जब भी आप पेपर को कर रहे हो मेक श्योर करो आप चारों मॉडल्स को करो, लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग, चारों मॉडल्स को अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा ऐसा नहीं कि दिन में दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस कर रहे हो, सुबह भी प्रैक्टिस कर रहे हो, शाम को भी प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं बिल्कुल नहीं। इससे क्या होगा, सुबह आपके अलग बैंड जाएंगे, शाम को आपके अलग बैंड जाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस की धजियां उड़ जाएंगी और आपको लगेगा कि भाई नहीं आपसे तो हो नहीं रहा। तो प्लीज डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ, कीप काम, बी रिलैक्स एंड ओनली अटेम्प्ट वन पेपर, बट द एंटायर पेपर इन वन डे। दूसरा, रियल सराउंडिंग्स, जब भी आप पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो मेक श्योर करो आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो कि जैसे आपका रियल एग्जाम हो रहा है। ऐसा नहीं आप घर में पेपर की अटेम्प्ट कर रहे हो और बीच में ही आपके पास चाय आ रही है, बीच में ही आपके पास ब्रेकफास्ट आ रहा है, कभी आपको कोई फैमिली मेंबर बुला रहा है, कभी कोई काम आ गया, नहीं। प्लीज जब पेपर के लिए बैठ जाओ तो 3 घंटे वो पेपर के लिए बैठ जाओ, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। ऐसा नहीं एक मॉड्यूल कर लिया उसके बाद 15-20 मिनट की ब्रेक ले ली, नहाने चले गए, नहीं। पेपर पूरा कंप्लीट करना है। व्हेन आई यूज टू सिट फॉर एन एग्जाम आई यूज टू मेक श्योर मैं चारों मॉडल्स को कंप्लीट करके ही उठूं। ये एक हैबिट है जिसको बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको पहले से ही आदत पड़ जाएगी कि पेपर में इतनी देर के लिए बैठते कैसे हैं और उसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तीसरा, बी नेचुरल, डोंट फेक, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट यूज फेक एक्सेंट्स, दे डोंट हेल्प। इट शुड नॉट बी लाइक आई रियली वॉन्टेड टू डू दैट आई कुडंट गेट टाइम, नो प्लीज सिंपल इंग्लिश, आई रियली वॉन्टेड टू डू दैट बट आई डिडंट हैड टाइम। उसके अलावा कंप्यूटर नहीं बनना है, रट्टा नहीं मारना है, जैसे कि माई नेम इज जतनदीप बहल, आई डिड बैचलर्स इन कॉमर्स, आई पास आउट इन 2016, करंटली आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, नो यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, ये आपने किया है, ये नेचुरल है और नेचुरल वे से ही आना चाहिए। चौथा, टाइम मैनेजमेंट, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, रीडिंग एंड राइटिंग जो मॉड्यूल है आइल्स के, दैट इज कंप्लीट अबाउट टाइम मैनेजमेंट। रीडिंग में आपको 40 मिनट्स मिलेंगे 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। रीडिंग के पेपर में 3 सेक्शंस आते हैं, मेक श्योर करिए जो आपके पहले 2 सेक्शन है वो मैक्सिमम 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। ये समझ लीजिए आपका एक टारगेट है जो आपको अचीव करना ही करना है। जो लास्ट सेक्शन है उसको आपको 15 मिनट देने हैं कंप्लीट करने के लिए, तो बाकी का जो टाइम रह जाएगा 2 से 3 या 4 मिनट के लिए वो आपको चाहिए चेक करने के लिए सारा पेपर जो आपने रीडिंग का किया है। देखिए मैंने दिया था कंप्यूटर आइल्स, और कंप्यूटर आइल्स में जब आप सारे मॉड्यूल्स कर लेते हैं, लिसनिंग रीडिंग राइटिंग, उसके बाद आखिर में आपको 10 मिनट नहीं मिलते हैं आंसर्स को आंसर शीट में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए कंप्यूटर स्पेसिफिकली कंप्यूटर पेपर के सिचुएशन में हमें पेपर जल्दी कंप्लीट करना पड़ता था, 5 या 4 मिनट पहले कंप्लीट करना पड़ता था ताकि हमारे पास वो मिनट रहे ताकि हम पेपर को एक बार चेक कर लें। उसके बाद आता है हमारा राइटिंग। राइटिंग में आपको मिलते हैं 2 टास्क, एक मिलता है लेटर जो कि आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल लिखना होता है, और दूसरा मिलता है आपको एसे। जो आपका पहला टास्क है लेटर का वो आपका मैक्सिमम 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लेना। और दूसरा टास्क जो कि एसे का है उसमें आपको मैक्सिमम 35 to 40 मिनट्स देने हैं, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि लास्ट में, क्योंकि ये पेपर 1 घंटे का होता है राइटिंग का, तो आपको 5 से 10 मिनट अपने रखने पड़ेंगे स्पेशली स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए, बिकॉज राइटिंग में अगर स्पेलिंग्स गलत हैं तो उसके मार्क्स कटेंगे। चाहे आपने टास्क जितना ही अच्छा लिखा हो लेकिन अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए तो उससे बैंड्स खामखा कम हो जाएंगे। तो आखिर में 5 से 10 मिनट आप जरूर रखिए टू गो थ्रू योर बोथ टास्क, ताकि आपको पता चल जाए अगर कोई मिस्टेक है तो उसको आप इजिली करेक्ट कर सके। सो टाइम मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पांचवा, क्राइम्स और ऑफेंसेस, अगर आपने ये मिस्टेक्स कर दी ना आईएलटीएस में तो आप अपने ऊपर ही क्राइम कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चन करने हैं। लिसनिंग में तो एक फ्लो बना होता है, जैसे जैसे रिकॉर्डिंग चलती रहेगी वैसे वैसे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहना है, मगर अगर एक आधा क्वेश्चन मिस भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है आप वापस उस क्वेश्चन पे आ सकते हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए। क्यों? बिकॉज
हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें आंसर रिट्रीव हो जाता है। मतलब जब आप पेपर को सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, तो हमारे बैक ऑफ माइंड में आंसर छुपा होता है कहीं। तो जब आप वापस वहां पे जाएंगे अटेम्प्ट करने के लिए, तो हो सकता है आपको आंसर याद आ जाए और आप उसको अटेम्प्ट कर ले। लेकिन अगर याद नहीं भी आएगा तो किसी भी अंडरस्टैंडिंग से आप आंसर जरूर लिखें, छोड़े मत। बिकॉज देखिए, एट दी एंड नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, छोड़ देंगे मार्क्स पक्का जाएगा। तो क्या पता आप अटेम्प्ट कर दें और आपका आंसर सही हो और आपको मार्क्स मिल जाए। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीडिंग एंड लिसनिंग के लिए पहले 20 जो क्वेश्चन होते हैं, दोनों में, लिसनिंग हो चाहे रीडिंग हो, उनमें अगर एक भी आंसर गलत हुआ तो इट्स अ क्राइम। यू हैव टू बी सो परफेक्ट कि आपके पहले 20 क्वेश्चन चाहे रीडिंग हो लिसनिंग में हो, गलत नहीं होने चाहिए। यू हैव टू बी दैट परफेक्शनिस्ट। ये नहीं कह रहा ये सब कुछ आपने एक ही दिन में अचीव कर लेना, नहीं, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना लग जाए, कोई टेंशन नहीं है। कौन सा आपको पहाड़ तोड़ना है या कौन सा आपको चांद पे जाना है, मेरे कहने का मतलब यह है, प्रैक्टिस टिल द टाइम यू आर श्योर कि आपके पहले 20 क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। स्पेशली जब आप मिनिमम टारगेट कर रहे हैं 8777 स्कोर लाने में, 8 लिसनिंग, 7 रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, तो आप अगर मिनिमम इतना स्कोर के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए पहले 20 क्वेश्चंस बोथ इन रीडिंग एंड लिसनिंग शुड बी परफेक्ट। उसके अलावा एक बहुत बड़ी टिप देता हूं आपको, डोंट यू एवर, एवर मतलब कभी भी, पॉलिटिक्स और रिलीजन को ना ही अपनी स्पीकिंग में लाना है और ना ही अपने राइटिंग में लाना है। इट्स अ बिग नो। यू डोंट वॉन्ट टू प्ले विद द फायर। यू डोंट नो जो एग्जामिनर है उसके क्या सेंटीमेंट्स है पॉलिटिक्स को लेके, उसके क्या सेंटीमेंट्स है रिलीजन को लेके, किस रिलीजन को लेके। सो प्लीज डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन दीज टू थिंग्स एट ऑल। सिक्स्थ, रिलैक्स, डोंट स्ट्रेस। आपके सक्सेस की जो चाबी है ना वो यहां है, यहां माइंडसेट। आराम से अपना टाइम लीजिए। जब आप इनिशियली न्यू है आइल्स की तरफ, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको, अगर जैसे राइटिंग में एक घंटा मिलता है पेपर करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक घंटा 20 मिनट लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर को कंप्लीट करना, राइटिंग का जो दो टास्क आपको है उनको कंप्लीट करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशियली टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, एक हैबिट को बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक लर्निंग फेज है, डरिए मत, मिस्टेक्स होंगी, इट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज उसी तरह तो आप लर्न करेंगे। कोई भी पहले दिन से परफेक्ट नहीं बनता, गिव योरसेल्फ टाइम, यू डिजर्व इट। सेवेंथ, आइल्स इज नॉट अ PhD। हम यहां आइल्स का एग्जाम देने आए हैं, कोई शेक्सपियर का एग्जाम नहीं है। इट्स अ नॉर्मल इंग्लिश एग्जाम, द ओनली डिफरेंट इज इट हैज अ सर्टेन फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के हिसाब से हमें पेपर देना होता है, दैट्स इट। कोई भी बड़ा हाई फाई वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर आप कोई सेंटेंस को लिख रहे हैं, जैसे कोई राइटिंग में सेंटेंस को लिख रहे हैं या कोई स्पीकिंग में कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कोई हाई फाई वर्ड बीच में यूज कर लिया और उसका, उस सेंटेंस का में आने का कोई तुक नहीं है, तो आपको मार्क्स तो क्या मिलने हैं, बैंड्स तो क्या मिलने हैं, आपके बैंड्स नीचे चले जाएंगे। तो अपने आप को ज्यादा हीरो नहीं समझना, हाई फाई वर्ड्स यूज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट मी, मैंने अपना आइल्स का एग्जाम दिया है, मैंने कोई भी हाई फाई वर्ड्स यूज नहीं किए हैं, मेरे को हाई फाई वर्ड्स आते ही नहीं है। कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिनको आप यूज कर सकते हैं और बहुत ही ईजी है यूज करने का, जैसे कि राइटिंग एंड स्पीकिंग में अगर आप दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोर ओवर, फर्दर मोर, However, अब ये कोई हाई फाई वर्ड्स तो है नहीं, बट ये जब आप वर्ड्स को यूज करते हैं ना तो आपके इंग्लिश का स्टैंडर्ड वैसे ही बहुत बढ़ जाता है। इंस्टेड ऑफ जो रेगुलर वर्ड्स होते हैं ना, बिकॉज, बट, इनके अलावा अगर आप इन जैसे वर्ड्स को यूज करोगे ना तो आपकी इंग्लिश वैसे ही बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपको डिक्शनरी सामने रख के डिक्शनरी को रट्टा नहीं मारना है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेशल आइल्स ट्रेनिंग की सर्विसेज शुरू करूं तो कमेंट्स में मेरे को बताइए, गिव मी अ बिग शाउट आउट, यस आई वॉन्ट। अगर मेरे पास 500 कमेंट्स आते हैं इस वीडियो में तो आई विल स्टार्ट आइल्स ट्रेनिंग सर्विसेज वेरी सून। चलिए लेट्स मूव ऑन। हमारा आठवा पॉइंट आता है स्टोरी टेलिंग। आपको और मेरे को सच बताइए, हमें मूवीज देखना अच्छा लगता है?
लगता कि नहीं लगता? उसके अलावा जब ओटीटी में कोई सीरीज आती है हमें अच्छी लगती है, कई अच्छी लगती है, कई अच्छी नहीं लगती, और जो अच्छी लगती है क्यों अच्छी लगती है? बिकॉज उनकी स्टोरी लाइन अच्छी होती है, उनमें सस्पेंस होता है, उनमें सम लाइफेबल डायलॉग्स होते हैं, उनमें एक्शन होता है. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, राइट? तो जब एक अच्छी स्टोरी बनती है तो एग्जामिनर भी एग्जैक्टली यही देख रहा है. स्पेशली जब हम राइटिंग एंड स्पीकिंग की बात करें ना, इट्स मोर लाइक अ स्टोरी टेलिंग. जब आपका स्पीकिंग का एग्जाम हो रहा होता है, जब आपसे वो कुछ पूछते हैं कि हाँ अपनी मेमोरेबल एक्टिविटी बताइए, या आप कुछ भी आपको एक टॉपिक दे देंगे, उसमें आपको व्हाट भी कवर करना होता है, व्हाई भी, हाउ भी, तो ये सब आपको जब कवर करना होता है तो आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है इन क्वेश्चंस के आसपास. तो अगर आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी तो आपको अच्छे बैंड्स मिलेंगे. ये आपका राइटिंग पे भी लागू होता है और स्पीकिंग पे भी लागू होता है. ऐसा नहीं होना चाहिए कभी किसी का आपने पैर पकड़ लिया, किसी का हाथ पकड़ लिया, किसी की गर्दन पकड़ ली. नहीं, एक स्टोरी क्रिएट कीजिए. इट शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. हमारा 9th पॉइंट आता है हैबिट्स. अब मैं जो भी आपके साथ हैबिट्स को शेयर करूंगा, ये आपको कंपल्सरली रोज करनी है, ये आपको मिस बिल्कुल नहीं करनी. ट्राई दीज फॉर 21 डेज. ट्रस्ट मी, आप मेरे को बाद में थैंक यू बोलेंगे. पहली हैबिट, रीड न्यूज़पेपर्स, स्पेशली एडिटोरियल पेजेस. पहले 4 से 5 दिन आपको मुश्किल आएगी, आपको लगेगा पता नहीं आपके सर पे कौन सा पहाड़ टूट गया है, ये क्या लैंग्वेज है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बस वो एडिटोरियल पेज पढ़ने हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनमें जो वर्ड्स आपने ऑलरेडी सुने हुए हैं, समझ लीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में आपने सुने हैं, या फिर आप ऑफिस में जब काम करते हैं तो वहां पे आपने सुने हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपकी बिजनेस ईमेल में रेगुलरली यूज होते हैं, या आपकी जीमेल पे भी रेगुलरली जो मेल्स आती जाती हैं वो यूज होते हैं, आपने उन वर्ड्स को सुना है लेकिन उन वर्ड्स को यूज नहीं किया है, वो वर्ड्स को आपको कॉपी में लिखना है और उनको रोज देखना है. मैं कोई भी हाई फाई वर्ड्स की बात नहीं कर रहा, मैं जो पहले मैंने आपको बोला था वो भी मैं अभी बोल रहा हूं. आई एम नॉट आस्किंग यू टू यूज द हाई फाई वर्ड्स, आई एम आस्किंग यू टू यूज दोज वर्ड्स जो आपने देखे हैं लोगों को यूज करते हुए मगर आपने खुद यूज नहीं किए. उन वर्ड्स को आपको लिखना है और इनको रोज पढ़ना है, मेमोराइज नहीं करना है, पढ़ना है. जब आप रोज पढ़ लेंगे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो फिट हो जाएंगे, और जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो वर्ड्स ऑटोमेटिकली बाहर आएंगे और आप उनको ऑटोमेटिकली सेंटेंसेस में डालेंगे. उसके अलावा और जो सबसे बड़ी मदद आपको मिलेगी, जब आप ये एडिटोरियल पेजेस पढ़ेंगे ना, उसके बाद जब आप अपना राइटिंग का एग्जाम करेंगे, कभी भी आप राइटिंग का एग्जाम कर रहे हैं, तो उसमें जो पहला पैराग्राफ जो स्टार्टिंग करना होता है ना एसे में स्पेसिफिकली, उसका आपको इनिशियल फेस पता चल जाएगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है. वो एक तरह की आपकी हैबिट बन जाएगी, बिकॉज इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं आप डायरेक्टली टॉपिक पे आंसर्स नहीं लिखना शुरू होते फॉर एंड अगेंस्ट. यू ट्राई टू मेक अ स्टोरी कि वो आप टॉपिक के ऊपर कुछ बोलते हो, कुछ हिस्ट्री को रिलेट कर लोगे या कुछ भी उसको रिलेट कर लोगे, वो रिलेशन जो मेंटेन होना होता है ना फर्स्ट फेज में, वो आपका एडिटोरियल पढ़ के ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा राइटिंग में. दूसरी हैबिट, एक्सरसाइज. हाँ हाँ, आप सोच रहे होंगे भाई एक्सरसाइज का इससे क्या रिलेशन? भाई बहुत बड़ा रिलेशन है. जब भी आप पेपर सुबह अटेम्प्ट कर रहे हैं उससे पहले आप रोज एक्सरसाइज करें. अव्वल तो एक्सरसाइज हमें वैसे ही रोज करनी चाहिए, बट ये स्पेशली जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका माइंड फ्रेश होता है, आपकी बॉडी एनर्जेटिक बनती है, और जब आप पेपर कर रहे होते हैं तो यू आर मोर फोकस्ड. मेरे को तो बहुत हेल्प की थी, आई एम श्योर आपको भी डेफिनेटली हेल्प करेगा. मैं ये नहीं कह रहा एक एक घंटा एक्सरसाइज करें, नो, 20 मिनट भी एक्सरसाइज कर लेना बहुत है, मैट बिछा के वहां पे एक्सरसाइज कर लेना बहुत है, बट करना जरूरी है. तीसरी हैबिट, डोंट फिल योर स्टमक विथ फूड. पेपर से पहले अपना भर भर के पेट मत भर लीजिए, ब्रेकफास्ट खा लिया, दो दो परांठे खा लिए, चार चार अंडे खा लिए, नहीं, प्लीज डोंट डू इट. मैक्सिमम जो आपकी कैपेसिटी है खाने की 60-70% फिल करिए स्टमक को, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं. क्यों? जब आप पेपर के लिए बैठना शुरू करेंगे ना आपको आनी शुरू हो जाएगी नींद.
नींद आनी शुरू हो गई तो आपका फोकस इधर उधर हो गया, एग्जाम में फोकस रहेगा ही नहीं। अगर आप पेट को खाली भी रखेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला, बेहोश नहीं होंगे आप। फोर्थ हैबिट, वॉच इंग्लिश मूवीज। स्टार्टिंग में जब आप इंग्लिश मूवीज को देख रहे हैं तो आप सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं, उसको आपको आदत भी पड़ जाएगी सबटाइटल्स की पढ़ने की, तो आपकी इंग्लिश भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे आप सबटाइटल्स को हटाइए और ऐसे ही इंग्लिश मूवीज को देखिए और समझने की कोशिश करिए, एक फन का फन हो जाएगा, लर्निंग की लर्निंग हो जाएगी। पांचवी हैबिट, लिसन टू द पॉडकास्ट। स्पेशली लिसनिंग के लिए ये आपको हेल्प करेगा। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी पॉडकास्ट को सुनिए, मगर इंग्लिश में पॉडकास्ट होना चाहिए, उसको सुनिए। उससे क्या होगा, आपके लिसनिंग की आपकी हैबिट बनेगी। आप जब रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो आपको उसको समझने की हैबिट बनेगी, और जब आप लिसनिंग का एग्जाम देंगे तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। हमारा 10th पॉइंट आता है फोकस। जब भी आप आईएलटीएस का पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फोकस लाइक एन ईगल। आईएलटीएस इज योर टारगेट एंड यू हैव टू हंट इट डाउन। कहते हैं ना कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी, बस वो ही समझ लीजिए। जब आप पेपर कर रहे हैं, यू शुड बी फोकस लाइक एन ईगल। टारगेट है आईएलटीएस और उसको हंट डाउन करना है। 11th पॉइंट, स्पीड। जब आपने आईएलटीएस को पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, आपको करते हुए 2 से 3 हफ्ते हो गए, आपकी प्रैक्टिस भी काफी हो चुकी है, फिर आपको फोकस करना है स्पीड पे। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी कि आपको हर एक पेपर में कितना टाइम मिलता है, जैसे कि रीडिंग में 40 मिनट्स है, राइटिंग में आपको 1 आवर है, और आपको बताया था मैंने कि आपको कौन कौन सा सेक्शन कितने कितने टाइम में करना है। तो फोकस ऑन द स्पीड, पेपर को टाइम लाइन में फिनिश करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, पहले दिन से ही ये नहीं करना है, पहले आपको 2 से 3 हफ्ते आप प्रैक्टिस कीजिए, पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। टाइम पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप पेपर को कंप्लीट करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे फोकस ऑन स्पीड एंड ट्राई टू फिनिश पेपर और एज पर द टाइम लाइन ऑफ आईएलटीएस पेपर। 12th पॉइंट, रेज द बार। हर एक मॉड्यूल, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, हर एक मॉड्यूल में स्कोर को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके स्कोर इंप्रूव हो रहे हैं, ग्रेट, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। अगर आपके स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, लगातार 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, आपके स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, फाइंड आउट कि कहां प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं स्कोर इंप्रूव हो रहे, और जो रीजंस के कारण स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहे, पहले उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़िए। नहीं तो आप जितनी बार प्रैक्टिस करते रहे, आपकी वो प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम्स वहीं पे रहेंगी और आपके स्कोर नहीं बढ़ेंगे। सो फोकस ऑन रेजिंग द बार। 13th पॉइंट, सोल्जर्स ऑफ आईएलटीएस। टेक आईएलटीएस एज अ किंगडम एंड यू वॉन्ट टू कॉन्कर इट। आईएलटीएस की छोटी छोटी आर्मीज है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, मैप, ग्राफ, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल इन लिसनिंग। जब दो लोग कन्वर्सेशन बात कर रहे होते हैं और आपको लिसनिंग का अटेम्प्ट करना होता है, दैट, और जब स्पीकिंग का पेपर आता है तो जो एग्जामिनर है वो वाइज एंड वाई नॉट्स, हर एक क्वेश्चन के पीछे वाइज एंड वाई नॉट्स पूछ पूछ के हमारे पे एरोस फेंक रहे होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी शील्ड से अपने आपको बचाना है, करेक्ट। सो द ओनली वे यू कैन डिफीट द आर्मी इज वेन यू एबल टू अंडरस्टैंड देम, अंडरस्टैंड देयर वीकनेसेस। हम आर्मी को कैसे डिफीट करते हैं, जब हम उसकी वीकनेस जान लें। वीकनेस यहां पे मतलब है जब आप ये सारी आर्मीज को सॉल्व कैसे करना है वो सिस्टम को जान लेंगे तो आप इजीली उनको बीट कर पाएंगे। सो अंडरस्टैंड कि वो क्या चीज है और उनको बेस्ट सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एवरी आर्मी हैज इट्स ओन वीक पॉइंट्स, फाइंड देम एंड कॉन्कर देम। यहां पे जो MCQs, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या जो भी चीजों की हम बात कर रहे हैं, इनका एक सिस्टम है सॉल्व करने का, इनका एक मेथड है सॉल्व करने का। वो मेथड को हमने अपनाना है, उस मेथड की हमने आदत डालनी है और इनको हराना है, सिंपल। और 14th पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्शन। कुछ लोग हैं जो सिर्फ बैठे रहेंगे और सिर्फ सोचते रहेंगे और कुछ नहीं करना है, क्या अगर मैं फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे, मुझे पता है मैं नहीं कर सकता या कर सकती, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, पॉसिबल ही नहीं है, अरे कोई नहीं कर पाता, यही सोच सोच के हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं। भूल जाओ यार इस चीज को, किसी को कुछ नहीं पड़ा है, लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, घंटा फर्क पड़ता है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचो, बस
एक चीज को गांठ बांध लो, टिल द टाइम आप एक्शन नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, प्लानिंग ही प्लानिंग चलती रहेगी, जब तक एक्शन नहीं करोगे नथिंग विल हैपन। जो भी सक्सेसफुल है ना दुनिया में वो एक्शन टेकिंग पर्सन है। जो भी लोग पीआर लेके इस वक्त कनाडा बैठे हैं, न्यूजीलैंड बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं या यूके बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने एक्शन किया है, उन्होंने आइल्स दिया है और आइल्स को क्लियर किया है। आइल्स को छोड़िए, जिंदगी में कुछ भी करना है उसके लिए आपको एक्शन तो करना ही पड़ेगा ना। मैं अपनी बात कर लूं, अगर मैंने YouTube स्टार्ट करने का एक्शन नहीं लिया होता क्या मुझे पता चलता कि मेरे को इतने लोग प्यार देंगे? अगर मैंने अपनी आप को फिट रखने का एक्शन नहीं लिया होता क्या मैं अपना 30% बॉडी वेट कम कर पाता? ट्रस्ट मी, इट्स ऑलवेज अबाउट द एक्शन, नेवर फॉरगेट दैट। इसके अलावा मैंने आइल्स के ऊपर 3 वीडियोस और बनाई हैं जो कि आपको आइल्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और आइल्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड आप वो वीडियोस को जरूर देखिएगा, आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आइल्स की प्रिपरेशन की सर्विसेज शुरू करूं, देन प्लीज कमेंट्स में अपने व्यूज बताइए, गिव अ शाउट आउट दैट यस वी वांट। 500 कमेंट्स आते हैं तो आई विल स्टार्ट आइल्स ट्रेनिंग सर्विसेज। वेल दैट वुड बी ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, उसके अलावा नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।